नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। हिंदू धर्म में हर साल अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की रात को बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए पाती है, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की डेट, इससे जुड़ी खास बातें। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ना करें, साथ ही इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी वर्जित है। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और काले कपड़े ना पहने, चमकीले सफेद कपड़े पहने तो बेहतर रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दिन मंदिर के दर्शन करने से आपका मन शांत होगा। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।